स्टूडेंट्स, हमने इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट देख लिए थे। वो फॉर्मूला आ गया था इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस एक्ससी मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इन दोनों का स्क्वायर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इंडक्टर यूज नहीं किया, जो एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में अगर इंडक्टर यूज नहीं किया है, सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर अगर यूज किया है, तो फिर इंडक्टर को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इंडक्टर हटा रहे मतलब एल को हटा रहे, तो फिर क्या हो जाएगा सी और आर मतलब कैपेसिटर और सिर्फ क्या रहेगा रजिस्टेंस। इस केस में आर स्क्वेयर तो रहेगा प्लस एक्सएल को हम हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा एक्स सी, तो एक्स सी का क्या हो जाएगा स्क्वेयर। तो ये इम्पीडेंस कब हो जाएगा, जब सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा और कैपेसिटिव इंडक्टेंस रहेगा। ठीक है, नहीं कैपेसिटिव इंडक्टेंस नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के वक्त का। एक क्वेश्चन अपने को मिलेगा कि अगर कोई सर्किट अपने पास में अवेलेबल है और इस सर्किट में एक लैंप लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया है और दोनों को अल्टरनेट करंट प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जो लैंप रहेगा, लैंप जो रहेगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि लैंप के अंदर की जो कॉइल होती है उसके हिसाब से वो इंडक्टर रहेगा, वैसा नहीं। लैंप का खुद का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो हीट जनरेट करता है और हीट जनरेट करके वही हमें इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स मिलता है। तो लैंप है तो लैंप का क्या है रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो अगर कोई एसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज किया है, कैपेसिटर यूज किया है, तब उसका इम्पीडेंस यही हो गया, इम्पीडेंस फॉर कैपेसिटर और एंड रजिस्टर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अचानक हमने ये जो है इसका कैपेसिटेंस बढ़ा दी, हमने क्या कर दिए कैपेसिटर को बढ़ा दिए, तब क्या होगा, क्या ये लैंप के ब्राइटनेस में फर्क आएगा या फिर नहीं होगा, वो हम कंसीडर करेंगे। देखो बेसिकली अपने को तो इतना पता है कि जब करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे हमारे घर में डिम लाइट होता है ना, तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस केस में लैंप भी ग्लो, लैंप का जो ग्लो है वो कम हो जाता है, मतलब करंट पर वो डिपेंड करेगा, करंट बढ़ेगा तो लैंप का ग्लो बढ़ेगा, करंट घटेगा तो लैंप का ग्लो घटेगा। तो अगर कैपेसिटेंस अगर घट गया, ठीक है, सी की वैल्यू अगर घट गई या फिर बढ़ गई, उस केस में तो दोनों केस में हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं अपने पास में मिलेगा कि कैपेसिटेंस अगर हमने बढ़ा दिए तो क्या होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ा देते तो हमें एक चीज तो पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्स सी इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ये हमें कैपेसिटेंस के केस में पता है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है, किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हम, सी की वैल्यू बढ़ा रहे, अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया अपॉन वाली वैल्यू बढ़ गई डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, तो फिर जो आंसर रहेगा वो कैसा रहता है कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो ये जो एक्स सी की जो वैल्यू है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। इस फॉर्मूले से अपने को समझ जाता है। अब एक्स सी की वैल्यू जब कम होती है तब क्या होता है, हमें इम्पीडेंस भी पता है। देखो जेड सी आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर। अब पहले जो भी वैल्यू होगी, अभी एक्स सी की वैल्यू कैसे हो जाएगी कम, अगर एक्स सी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर ये जो आंसर निकलेगा जेड सी आर के फॉर्म में, तो जेड सी आर का भी आंसर कैसे हो जाएगा कम। तो अगर एक्स सी की वैल्यू क्या हम कम यूज करेंगे तो फिर ये जो इम्पीडेंस है सी आर वाला वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया। अब इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस एक तरह का क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस क्या होता है एक तरह का रेजिस्टेंस। अब करंट और रेजिस्टेंस में यहां पर कुछ तो भी होगा, कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, देखो हमें पता है ई इक्वल्स टू आई आर, ये पता है ई इक्वल्स टू आई आर, तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो इम्पीडेंस के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू आई और आर की जगह हम क्या लेंगे जेड सी आर।
आई की वैल्यू हम निकालेंगे, देयरफॉर आई इक्वल्स टू ई अपॉन जेड सी आर। अब देखो यहां पर जेड सी आर क्या हो गया था, कम। कम वैल्यू से जब हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा होने वाला है। जेड सी आर अगर कम डिवाइड करेंगे तो आई मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जेड सी आर अगर हम कम कर देते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और करंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये जो लैंप है इसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख लो, एक न्यूमेरिकल है अपने पास में, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय ई इक्वल्स टू 140 sin 3142 t। देखो एक वोल्टेज दिया है ई इक्वल्स टू 140 sin 3142 t ये दिया है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओहम। ये किससे कनेक्ट किया गया है, एक रजिस्टर जो कितने का दिया है, 50 ओहम का दिया है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर, और हमें आईआरएमएस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो n फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, e इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की जगह अपने को क्या लिखता है, 3142। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 3142। ओमेगा मतलब क्या होता है, ट्वाइस पाई एन इक्वल्स टू 3142। एन की वैल्यू निकालना है तो ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड कर लेंगे, 3142 अपॉन ट्वाइस पाई, 3142 अपॉन 2 × 3.14। क्या हम ये 3142 को 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर इसको मुझे 3 पॉइंट लिखना है तो मल्टीप्लाइड बाय इसको 1000 करना पड़ेगा। ये सिंपल सा हम एडजस्टमेंट कर रहे ताकि 3.14 हम कैंसिल कर सके। तो 3.14 हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं और 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 500। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एन फ्रीक्वेंसी अपने पास में आ गया जो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आई निकालना है अपने को, आईआरएमएस। तो आईआरएमएस इक्वल्स टू ईआरएमएस अपॉन आर, अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, तो ईआरएमएस अपॉन आर हो गया। तो फिर ईआरएमएस क्या होता है, जैसे आई आर एम एस इक्वल्स टू आई जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, वैसे ही ई आर एम एस इक्वल्स टू ई जीरो अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ई आर एम एस की जगह ई जीरो अपॉन अंडर रूट 2, और ये आर भी यहां पर आएगा। ई जीरो की वैल्यू हम अगर यहां से कंपेयर किए तो ई जीरो की जगह कितना दिखता है, 140,
एंड यही पे लिख देता हूं ई जीरो इक्वल्स टू 140 वोल्ट। तो ई जीरो की जगह लिख दिया 140 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मतलब 1.41 के आसपास में। आर रेजिस्टेंस दिया है 50, फाइंड आउट क्या करना है आर एम एस, ठीक है। तो फिर इनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको हम अगर यहां पर भी पॉइंट देना चाहते तो 1.40 अगर करेंगे तो इनटू 100 कर सकते हम, तब जाके ये एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब 140 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये 1.41 इनटू 50। तो देखो अगर ये काट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे तो करना नहीं चाहिए लेकिन जब टाइम नहीं है एग्जाम में तब हम कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर ये काट देते हैं 100 डिवाइडेड बाय कितना 50, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 के आसपास में आंसर आने वाला है। तो एज पर बुक में इसका आंसर लिखूंगा, आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो एज पर बुक अगर मैं इसका आंसर लिख लेता हूं तो इसका आंसर अपने पास में है 1.98 करंट निकाल लिए तो उसका यूनिट क्या होगा एम्पियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू दिया है 200 मिली हेनरी, लेकिन मिली हेनरी में हम यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मिली हेनरी से हेनरी में, तो वो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10^-3 हेनरी। फिर बोला है इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ 210 वोल्ट, पीक ईएमएफ मतलब ई जीरो की वैल्यू दिया है, ये दिया है 210 वोल्ट दिया है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द पीक करंट, पीक करंट मतलब आई जीरो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू, उन्होंने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब ई की वैल्यू पूछा है, लेकिन ये भी कब जब करंट कैसे रहेगा इसके पीक वैल्यू पे रहेगा तब का ईएमएफ पूछा है। अब यहां पर एक एसी सर्किट है और एसी सर्किट को एक इंडक्टर कनेक्ट किया है, उस केस में जो वेव है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। इंडक्टर बोला है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब जिसे हम एक्स एल बोलते हैं, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन एल, ये हो गया एक्स एल, ट्वाइस पाई एन की वैल्यू दिया है 50, एल की वैल्यू दिया है 200 इंटू 10^-3, यहां से एक्स एल की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी वो बाद में हम सोचते हैं, ठीक है। थोड़ा सामने बढ़ते हैं, एक्सएल अगर मिल जाता है और आई जीरो फाइंड आउट करना है, तो आई जीरो मतलब पीक करंट आई जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई जीरो अपॉन आर, तो ई जीरो अपॉन आर। अब देखो आर क्या होता है रेजिस्टेंस, लेकिन ये सर्किट किसका है इंडक्टर का, तो फिर हमें R के जगह क्या यूज करना पड़ेगा, R के जगह XL यूज करना पड़ेगा, क्योंकि XL क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम I0 जीरो इक्वल्स टू ई जीरो अपॉन यूज करेंगे XL। ई जीरो की वैल्यू कितनी है वो दिया है 210 वोल्ट्स, और XL की वैल्यू दिया है, ये हम निकाल लेंगे XL की वैल्यू, तो वो फिलहाल मैं रख देता हूं 2 pi into 50 into 200 into 10^-3, तो इसकी एक वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आप निकाल लेना, मैं एज पर बुक आपको वैल्यू नोट करा रहा हूं, ये आएगी वैल्यू 3.341
6.341 एम्पियर, ये आ जाएगी पिक करंट की वैल्यू। अब और एक चीज पूछा है कि वोल्टेज मतलब ईएमएफ बताओ जब करंट कैसे रहता है, पिक वैल्यू पे रहता है। तो अगर हम ग्राफ पे देखते हैं तो देखो ये ब्लैक कलर से जो शो किया है वो करंट का ग्राफ है और रेड कलर वाला वो ईएमएफ का ग्राफ है। तो देखो करंट की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है आई जीरो, उस समय में वोल्टेज की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है वहां पर जीरो। जहां पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है जीरो। तो फिर हम E=E, लेकिन कहां पर जहां पर करंट की वैल्यू कितनी थी, करंट इक्वल्स टू पीक वैल्यू पर था, उस समय में ईएमएफ कितना होता है वो होता है जीरो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ E=220 sin π 100 π t, E की वैल्यू दिया है E=220 sin 100 π t इज अप्लाइड टू द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। एक इंडक्टर का सर्किट है एसी वाला जिसका इंडक्टेंस दिया है 1/π हेनरी। तो इंडक्टेंस होता है L और L की वैल्यू दिया है 1/π हेनरी दिया है। राइट एन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब I, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम दे देंगे इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। एसी गैल्वेनोमीटर से रीडिंग ले लिए होंगे तो उसके रीडिंग उन्होंने पूछा है। तो जो भी करंट हम उस एसी गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे, देखो ईएमएफ का तो पता है अपने को, मतलब जो फाइंड आउट करना है वो करंट है। तो करंट अगर गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे तो वो आरएमएस करंट होता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता। तो आई आरएमएस की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम ये गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, E=E0 sin ωt। तो हम अगर देखते हैं तो देखो ई जीरो की जगह कितना दिखता है, ई जीरो की जगह 220, देयरफॉर E=220 volts। ओमेगा की जगह कितना दिखता है 100 π, ωs=100 π। अब L भी दिया है अपने को, सिर्फ इंडक्टर का सर्किट है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर नहीं है, इसीलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम XL से डिनोट करते हैं, XL=ω×L होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 π, L की वैल्यू कितनी दिया है 1/π, π कैंसिल बचेगा कितना 100, XL की वैल्यू कितनी आ गई है 100। XL एक तरह का रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओहम, तो XL कितना है 100 ओहम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, I की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो हमें पता है जैसे ये ग्राफ है उसका, रेड से ईएमएफ है और ब्लैक से करंट है। इस केस में करंट हमेशा ही ईएमएफ के पीछे चलता है π/2 से, करंट लैग्स बाय π/2 विद ईएमएफ, ईएमएफ के वो हमेशा पीछे रहेगा। देखो ईएमएफ पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, ईएमएफ पहले स्टार्ट, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं यहां से बात करें, ठीक है, ईएमएफ पहले स्टार्ट होता है, बाद में करंट स्टार्ट होता है, मतलब ईएमएफ के बाद में करंट आता है π/2 इतने फेज से, ठीक है। वो हम यहां पर ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। तो ईएमएफ अगर जीरो से चला तो -90 से करंट चलता है, -90 बोले तो
लैग ही हो जाता है। तो करंट की इक्वेशन ऑफ करंट क्या होती है, I इक्वल्स टू I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि इट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ पाई बाय टू। I जीरो क्या होता है, देखो I जीरो इक्वल्स टू E जीरो अपॉन R, लेकिन R रेजिस्टेंस, ये सर्किट किसका है, इंडक्टेंस का, तो R नहीं, यहां पर इसका इंडक्टेंस आ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो क्या होता है XL। तो I जीरो इक्वल टू E जीरो अपॉन XL हम यूज करेंगे, I जीरो की जगह E जीरो अपॉन XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ई जीरो की वैल्यू 220, एक्सएल की वैल्यू 100, साइन ओमेगा 100 पाई, टी है टी भी लिख दिया, माइनस पाई बाय टू, इनको डिवाइड करेंगे 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय टू, ये आ जाएंगी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। इसको अगर देखते हैं तो हमें यहां पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड मतलब I जीरो है, ठीक है, ये कितना है I जीरो, देखो I इक्वल्स टू I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, I जीरो की जगह कितना दिख रहा है अपने को 2, देयरफॉर I जीरो इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर। और हमें IRMS भी फाइंड आउट करना है, और IRMS इक्वल्स टू I जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, I जीरो की वैल्यू 2.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैं बुक से वैल्यू ले लेता हूं इसकी जो वैल्यू रहेगी बुक के हिसाब से ये रहेगी 1.554 एम्पियर, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपने पास में, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर, एक इंडक्टर है एसी सर्किट में जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी दिया है, इंडक्टेंस मतलब L इक्वल्स टू दिया है 2 हेनरी, इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, करंट को साइन वेव से रिप्रेजेंट किया है, ऑफ एम्पलीट्यूड, और उस साइन वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होती है करंट की, पीक वैल्यू मतलब I जीरो, वो कितना दिया है 0.25 एम्पियर, तो I जीरो की वैल्यू दिया है 0.25 एम्पियर, एंड फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दिया है सॉरी 60 हर्ट्ज दिया है। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, मतलब इस केस में ईएमएफ, और इफेक्टिव बोला है मतलब वो आरएमएस ईएमएफ होता है, तो ERMS फाइंड आउट करना है अक्रॉस द इंडक्टर, और पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर करना है, वो तो हम कर ही लेंगे। तो ERMS फाइंड आउट करना है, देखो ERMS E इक्वल्स टू IR होता है, ये पता है देखो ERMS इक्वल टू IRMS इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन ये इंडक्टर वाला सर्किट है तो इस केस में रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब वो क्या हो जाएगा XL। XL हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, XL इक्वल्स टू ओमेगा इनटू L, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन और इनटू L, इस तरह से हम XL फाइंड आउट करेंगे, N की वैल्यू दिया है अपने पास में, L की भी वैल्यू दिया है तो XL निकलेगा। IRMS कैसे निकालेंगे हम, IRMS इक्वल्स टू क्या होता है I जीरो अपॉन अंडर रूट टू, I जीरो की वैल्यू दिया है अंडर रूट टू से डिवाइड कर देंगे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले IRMS निकालते हैं, IRMS इक्वल्स टू I जीरो अपॉन अंडर रूट टू, I जीरो की वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो IRMS की वैल्यू मिल जाएगी यहां से हमें, IRMS की वैल्यू मिलेगी 0.1768 एम्पियर।
0.1768 एम्पियर, मैं बुक से लिख रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट कर लेना इसको। फिर IRMS तो हो गया, IRMS निकालने के बाद में ये निकल गया, हम XL निकालेंगे, ठीक है। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इक्वल्स टू ओमेगा L, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाय N इंटू L, ट्वाइस पाय इंटू N, पाय की वैल्यू 3.14, इंटू N की वैल्यू 60, L की वैल्यू 2। इस तरह से एक्सेल का आंसर मिल जाएगा अपने को, एज पर बुक में लिख रहा हूं 754.08, 754.08 एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक तरह का रेजिस्टेंस, उसका यूनिट ओहम। तो एक्सेल मिल गया अपने को, अब क्या बाकी है, ईआरएमएस निकालना है। ईआरएमएस तो ईआरएमएस इक्वल्स टू आईआरएमएस इनटू क्या हो जाएगा, एक्सएल। आईआरएमएस कितना है, 0.1768 इनटू एक्सएल की वैल्यू कितनी दिया है, 754.08। इस तरह से ईआरएमएस की जो वैल्यू मिलेगी अपने को वो 133.4 वोल्ट्स, ये हो जाएगी ईआरएमएस की वैल्यू।